क्यों इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसके दुनिया भर में चर्चे हैं, हमास के इतने बड़े अटैक प्लान के बारे में नहीं जान पाई? और ऐसा क्या चल रहा था इजराइल में जिसका फायदा हमास ने उठाया? और क्यों इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता सड़कों पर उतर आई है? और कौन कौन इस युद्ध में इजराइल और फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, खुद को फिलिस्तीन की आर्मी बताता है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास अभी तक कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है। हमास का मीनिंग क्या है? हमास का मतलब अरबी भाषा में हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया है, जिसे हम इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन भी कह सकते हैं, जो पिछले कई दशकों से इसराइल पर आत्मघाती हमले करता रहता है। लेकिन अगर पिछले 50 सालों को देखा जाए तो हमास की हिम्मत कभी भी इतने बड़े अटैक की नहीं हुई। लेकिन आज जब इसराइल की जनता खुद उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ है, वो उनका विरोध कर रही है, तो उस टाइम पीरियड का फायदा उठाते हुए हमास ने खुद को पावरफुल करके इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया। कैसे हमास ने इतने बड़े अटैक को अंजाम दे दिया, इस बात को जानने के लिए हम बात करते हैं जुलाई 2023 की, जब इसराइल सरकार ने खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए संसद में जुडिशियल ओवरऑल बिल पास करा दिया, जिसका मतलब होगा कि सरकार का फैसला ही आखिरी फैसला है। इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट इजराइल सरकार के किसी भी फैसले को गलत बताकर उसे खारिज नहीं कर सकती। इस कानून से सुप्रीम कोर्ट सरकार से छोटा हो गया। इस कानून का विरोध भी हुआ। इसके विरोध में नेक्स्ट डे इजराइल के न्यूज़पेपर्स का फ्रंट पेज ब्लैक रखा गया, जिसे डार्क डे ऑफ इजरायली डेमोक्रेसी कहा गया। इसका इतना विरोध हुआ कि लाखों लोग इजराइल सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए। 29 हफ्तों तक चले इस विरोध के बावजूद भी सरकार ने इस बिल को पास कर लिया। इस बिल से सरकार और भी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन ये तानाशाही हो रही थी। लेकिन साथ साथ इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये भी कह रहे थे कि इसराइल मजबूत लोकतांत्रिक देश है, इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता, हम हर हाल में साथ खड़े रहेंगे, आपसी मतभेद के चलते देश कभी भी दुश्मनों के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा। इसराइल में जनता और सरकार के बीच चलने वाले इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमास एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। हमास ने इसका फायदा उठाते हुए इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया कि मोसाद भी देखता रह गया। दुनिया के सभी देश इस मसले पर अलग अलग पक्ष रखते हैं। कुछ देश फिलिस्तीन की साइड लेते हैं तो कुछ इजराइल की, जैसे ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, यूएई और कतर फिलिस्तीन के पक्ष में है। इनका कहना है कि युद्ध करना तो गलत है, लेकिन इजराइल का उस हिस्से पर कब्जा करना भी गलत है। दूसरी तरफ इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली इजराइल की तरफ है। इस युद्ध की शुरुआत में हमास ने 5000 से ज्यादा मिसाइल्स दागी और इजरायलियों को बंदी भी बना लिया। इजराइल भी इसका जवाब दे रहा है। अभी तक इस युद्ध में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। युद्ध के परिणाम कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। आप यूक्रेन और रशिया के युद्ध का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, इसलिए इस युद्ध का भी जल्द से जल्द रुक जाना ही बेहतर होगा।